तो स्वागत है आप सबका संडे विद सुपर बैटल के एक और एपिसोड में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकी वर्सेस हेला। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें रैग्नारोक इवेंट में ही मिल गया था। थोर लोकी जितना स्मार्ट नहीं है, पर गॉड ऑफ थंडर के पास लाइटनिंग पावर्स थी, बेटर फिजिकल स्ट्रेंथ थी और लोकी से ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस था। इतना सब होने के बाद भी थोर हेला के सामने हार गया। और लोकी भले ही गॉड ऑफ मिस्चिफ हो, लेकिन हेला के सामने लोकी का जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हेला को कितना टाइम लगेगा लोकी पर नेक्रोसोट फेंकियों से मारने में? शायद 5 सेकंड भी ना लगे। और लोकी के इल्यूजन यहाँ काम नहीं आने वाले। लोकी अपने एनिमी को ट्रिक करके उसे स्टैप कर देता है। अब हो सकता है हेला लोकी के इल्यूजन में ट्रैप हो जाए, बट लोकी हेला को स्टैप करके भी हार जाएगा, क्योंकि हेला के पास हीलिंग फैक्टर है, वो कुछ सेकंड्स में हील हो जाएगी। लोकी को बहुत सारे प्रिपरेशन और प्लानिंग की जरूरत है, तब कहीं जाकर वो हेला को मार पाएगा। वैसे एक ही प्लान है, एसगार्ड को कोर से उड़ा दो। अब पता नहीं लोकी ऐसा कैसे करेगा, लेकिन जब तक एसगार्ड है तब तक लोकी हेला को बीट नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन, बकी वर्सेस रेड स्कल। अब ये दोनों सुपर सोल्जर्स है, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम लेवल की है। पर बकी के पास अपना मेटेलिक आर्म है, जिसे वो एक शील्ड की तरह भी यूज कर सकता है। अब रेड स्कल और विंटर सोल्जर दोनों ने कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट किया है, पर अगर बकी और रेड स्कल की फाइट होती है तो डिपेंड करता है रेड स्कल किस वर्जन से फाइट करता है। अगर बकी है तो ये वर्जन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर फाइट नहीं करता है, और साथ में इसके पास कोई लॉन्ग रेंज वेपन भी नहीं है, लेकिन रेड स्कल टेसरेक्ट से बने वेपन यूज करता है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेड स्कल बकी को एक फाइट में बीट कर देगा। पर विंटर सोल्जर एक अलग ही लेवल का बंदा है, इसे बस अपना काम पूरा करने से मतलब होता है। ये फाइट करते समय नहीं देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बंदा अपनी सारी स्ट्रेंथ और वेपन को यूज कर देगा सिर्फ अपने अपोनेंट को बीट करने के लिए। इसलिए अगर विंटर सोल्जर हो तो उसे थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आखिर में वो रेड स्कल को बीट कर ही देगा। थर्ड क्वेश्चन, हेला वर्सेस गॉड। अब गॉडेस ऑफ डेथ और गॉड बुचर दोनों के एनिमीज गॉड्स थे। हेला एस्गार्डियन गॉड्स को मार रही थी, दूसरी तरफ गॉड यूनिवर्स के गॉड्स को मार रहा था। इन दोनों के वेपन्स के नाम भी सिमिलर है, बस हेला की नेक्रोसोर्ड सॉलिड वेपन होता है, और ये हेला पे डिपेंड करता है कि उसे कौन से शेप के वेपन बनाने हैं। और गॉर की नेक्रोसोर्ड एक तलवार है, जिससे वो शेडो डीमंस को समन कर सकता है और शेडो में टेलीपोर्ट भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो विनर कौन बनेगा। बेसिकली हेला गॉर को एक 1v1 बैटल में बीट कर देगी। हेला की मर्जी चले तो ये बंदे नेक्रोसोर्ड को तोड़ के रख दे। नेक्रोसोर्ड पावरफुल वेपन है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। माइटी थोर ने हैमर फेंक के स्वॉर्ड को तोड़ दिया था, और गौर के पास इस लेवल की फीट नहीं है जिसे हम देखकर बोल सकते हैं कि वो हेला को बीट कर सकता है। गौर ने किसी भी टॉप लेवल के गॉड को मारा नहीं था, जबकि रैग्नारोक इवेंट में ऐसा कोई नहीं था जो हेला को हरा पाए। सिर्फ सर्टर था जिसके सामने हेला की नहीं चली। इसलिए अगर गौर हेला से फाइट करने आता है तो वो बहुत बुरी तरीके से कूट दिया जाएगा। हेला अकेले एक आर्मी के बराबर है, तो अगर गौर अपने मिनियंस भी लेकर आता है तब भी हेला को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसलिए हेला गौर को बीट कर सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, ओडिन वर्सेस ज्यूस। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने इन दोनों को प्रॉपर तरीके से लड़ते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट ज्यूस तो अपने पहले अपीयरेंस में नॉकआउट हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज्यूस कमजोर है। ये दोनों स्काई फादर है, और अगर ये अपने ऊपर आ जाए तो एक गैलेक्सी को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज के डेट में भले ज्यूस फीटलेस हो, लेकिन वो ऐसे ही ओलंपस का राजा नहीं बन गया। लेकिन ओडिन के कुछ फीट्स हमें पता है, जैसे ये मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, इसे डार्क मैजिक भी करना आता है, साथ में ओडिन थोर को अनवर्थी बना सकता है, और इसने 9 रियलम्स को कॉन्कर किया था। हेला को कई सेंचुरीज के लिए हेल में कैद कर दिया था, और सर्टर मर नहीं सकता इसलिए उसकी इटर्नल फ्लेम को छीन लिया। अब ये सारी फीट्स काफी हाई लेवल की है, हो सकता है कि ज्यूस भी इन सारी फीट्स को अचीव कर सकता है, बट अभी के लिए तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज्यूस एक फीटलेस कैरेक्टर है, और वो दूर दूर तक ओडिन जितना सीरियस दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए अगर फीट वाइज कंपेयर करें तो ओडिन आज के डेट में ज्यादा पावरफुल है, पर जब बात आती है कॉमिक्स की तो एक बार इन दोनों ने फाइट किया है, और जब ये एक दूसरे को कूट रहे थे तब कई सारे रियलम शेक हो रही थी। वैसे एक बार मार्वल ने स्काई फादर्स और कॉस्मिक एंटिटी की पावर लेवल को स्केल किया था, जिसमें ओडिन और ज्यूस की पावर लेवल सेम थी। फिफ्थ क्वेश्चन, अल्ट्रा विजन वर्सेस रून किंग थॉर। अब ये दोनों काफी पावरफुल है। एक तरफ अल्ट्रा विजन है, जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है, इसलिए यह बंदा टाइम, सोल, रियलिटी, स्पेस, पावर और माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इसने गैलेक्सी को सिर्फ सोचने पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके ना जाने कितने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है। इनफैक्ट ये वॉचर से भी लड़ चुका है, और पूरी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की टीम को साथ मिलकर काम करना पड़ा था, तब कहीं जाकर अल्ट्रॉन विजन हारा था। लेकिन अब रून किंग थोर कितना पावरफुल है और उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रून किंग थोर ने मैनगॉक से लेकर शेडो गॉड्स तक को बीट कर रखा है, और शेडो गॉड्स अपने आप में काफी पावरफुल है। इनफैक्ट ये रहते भी ओमनिवर्स में है, और एसगार्ड के लोगों की किस्मत भी यही लोग लिखते थे। अब सोचो, रून किंग थोर ने अपनी किस्मत को चेंज किया है, और ये बंदा फ्यूचर को भी देख सकता है,
तो अल्ट्रॉन के सारे मूव्स पहले से रून किंग थोर को पता चल जाएंगे। अब अल्ट्रॉन के पास भी टाइम मैनिपुलेशन पावर्स है, लेकिन ये पावर्स उसे इन्फिनिटी स्टोन प्रोवाइड करती है और थोर अच्छे से इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में जानता है। रून किंग थोर को बस अल्ट्रॉन के आर्मर से इन्फिनिटी स्टोन्स को हटाना है और रून किंग थोर वही विनर बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये एक मिसमैच है, हम एक इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन को किसी नए ओमनीपोटेंट बींग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। रून किंग थोर एक अलग ही लेवल का बींग है। रून किंग सिर्फ अपने एक स्पेल का यूज करके विजन का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। अल्ट्रा विजन को अगर इस मैच में जीतना है तो उसे रून किंग की पावर्स को ब्लॉक करना पड़ेगा, लेकिन रून पावर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी सिचुएशन हो रून किंग थोर हमेशा अल्ट्रा विजन को बीट कर देगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्कारलेट विच वर्सेस एंशिएंट वन। अब देखो, इन्फिनिटी वॉर से पहले तक एंशिएंट वन एक बहुत ज्यादा पावरफुल सोर्सरर थी। वो ऐसे सोर्सरर सुप्रीम नहीं बन गई, ये बात अलग है कि उसे डार्क डायमेंशन से पावर मिलती थी जिससे वो वर्चुअली इमॉर्टल बन गई, और साथ में डार्क मैजिक की वजह से वो बाकी सोर्सरर से बेटर मैजिक यूज कर पाती थी। और अगर वंडा एंशिएंट वन के सामने आ जाए तो एंशिएंट वन को एक मिनट नहीं लगेगा वंडा को बीट करने में। पर जब बात आती है स्कारलेट विच की, तो किसी भी सोर्सरर सुप्रीम की इसके सामने नहीं चलती है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच ने वोंग को बीट किया था जो एक सोर्सरर सुप्रीम था, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी इनडायरेक्टली हार ही गया था, और ये बंदा भी एक सोर्सरर सुप्रीम रह चुका है। एल्ड्रिच मैजिक से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर स्कारलेट विच के डार्क होल्ड स्पेल्स और क्योस मैजिक के सामने एल्ड्रिच मैजिक किसी काम का नहीं है। स्कारलेट विच को अब ना तो मिरर डायमेंशन में कैद कर सकते हैं और ना ही फिजिकल अटैक्स का उस पर कोई असर होता है। वो भी गया तो वो खुद को हील कर लेगी, इसलिए आज के टाइम पर रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, जिसे बीट करना एंशिएंट वन के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेवेंथ क्वेश्चन, वकांडा वर्सेस ओल्ड एस्गार्ड। अब इस टॉपिक पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हमें एक नेशन को एक रियलम के साथ कंपेयर करना है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, और अगर हम अभी वो सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दें तो ये वीडियो 25 मिनट की बन जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को इस हफ्ते कवर करूंगा। एट्थ क्वेश्चन, वैल्करी वर्सेस ब्लैक ऑर्डर। अब वैल्करी एस्गार्ड की टॉप लेवल की फीमेल वॉरियर्स होती है। अब तो एक ही वैल्करी बची है, लेकिन यह भी काफी पावरफुल है। इस बंदे ने हेला के डेड आर्मी से लेकर आउटराइडर्स को मारा है। एंड गेम में सीधे लिवाइथन से भिड़ गई थी, बस गौर के सामने ये हार गई और अपनी एक किडनी खो दी, वो बात अलग है। पर ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स भी काफी पावरफुल है। ब्लैक ऑर्डर में सिर्फ 4 मेंबर्स है, लेकिन हर एक ने एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन के साथ फाइट किया है। प्रोक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ग्लेव दोनों हैंड टू हैंड बैटल में काफी अच्छे हैं, और इनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो वाइब्रेनियम को कट कर सकते हैं। कल ऑप्सीडियन फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है, और एबोनिमो सबसे कमजोर है, बट इसके पास टेलीकिनेसिस है जिसका यूज करके चीजों को बिना टच के मूव कर सकता है। अब प्रोक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ग्लेव बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, इन दोनों को कैप्टन अमेरिका, फैल्कॉन और ब्लैक विडो ने हरा दिया था, इसलिए वैल्करी अपनी एस्गार्डियन स्ट्रेंथ और वेपन का यूज करके इन दोनों को बीट कर सकती है। कल ऑप्सीडियन का बॉडी साइज वैल्करी के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, पर कल ऑप्सीडियन अपने स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, इसलिए उसके पास कोई परफेक्ट फाइटिंग टेक्निक नहीं है। लेकिन अगर वैल्करी बेटर फाइटिंग टेक्निक के साथ कल ऑप्सीडियन से फाइट कर दिया तो वैल्करी के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑप्सीडियन को बीट करने में दिक्कत होगी, लेकिन आखिर में जीतना वैल्करी को ही है। लेकिन असली प्रॉब्लम एबोनी मॉ क्रिएट करेगा, इसके पास टेलीकिनेसिस है जिसकी वजह से वैल्करी से दूर रहकर ही लड़ाई कर सकता है, और अपने पावर्स के चलते ये वैल्करी को अपने पास आने भी नहीं देगा। अगर वैल्करी अपना स्पेयर फेंक के मारती है तब भी एबोनिमो उसे बीच हवा में रोक सकता है, और वैल्करी के पास कोई एनर्जी बेस्ड अटैक भी नहीं है। अगर होते तो एबोनिमो की पावर्स यहाँ पर यूजलेस हो जाती। अगर वैल्करी किसी तरह एबोनिमो को ट्रिक करके उसके पास जाकर उसे स्टैप कर देती है तभी वो विनर बन सकती है, पर ये बात एबोनिमो को भी पता है कि उसकी बॉडी बाकी ब्लैक ऑर्डर जितनी ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए वो वैल्करी से दूर रहना ही पसंद करेगा। लेकिन ब्लैक ऑर्डर में सिर्फ एबोनिमो है जो वैल्करी को बीट कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन, वंडर वुमन वर्सेस माइटी थॉर। अब ये दोनों अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरो में से एक है। एक तरफ माइटी थॉर है जिसे जानलेवा बीमारी हो गई थी, लेकिन म्यूनियर की वजह से वो थॉर बन गई, और वर्दिन स्पेल की वजह से उसे थॉर की पावर्स मिल गई। माइटी थॉर ने अपने लिए न्यू फाइटिंग मूव्स बनाए, और साथ में ये ऑलमोस्ट वो सारे काम कर सकती है जो थॉर कर सकता है। माइटी थॉर ने गौर के शैडो डेमन्स को मारा है, उसके बाद ओमनीपोटेंट सिटी के गोल्डन गार्ड्स को, और गौर से भी इसने अच्छी खासी फाइट की थी। और माइटी थॉर अगर नहीं होती तो शायद नेक्रोसॉर्ड कभी बर्बाद नहीं होती। वही दूसरी तरफ हमारी वंडर वुमन है जो ज्यूस की बेटी है, और ये भी अपने यूनिवर्स के टॉप लेवल के सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुकी है। जैसे वंडर वुमन ने एरिस को मार रखा है, फिर सुपरमैन को भी कुछ देर के लिए बराबरी की टक्कर दी थी, ये बात अलग है कि सुपरमैन यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहा था। स्टेफन वुल्फ काफी पावरफुल है, अब वंडर वुमन इतनी कैपेबल नहीं थी कि अगले स्टेफन वुल्फ को मार
मार दे, लेकिन वंडर वुमन ने फाइट के समय उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी और सेम डूम्सडे के साथ है। सुपरमैन के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो डूम्सडे को मार पाए, लेकिन वंडर वुमन की स्वॉर्ड इतनी कैपेबल थी कि डूम्सडे की बॉडी को कट कर दे। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो विनर कौन बनेगा? तो ऑफकोर्स वो वंडर वुमन है। बेसिकली वंडर वुमन की बचपन से वॉरियर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वंडर वुमन के पास बेटर मूव्स है, ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और ये माइटी थोर के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुकी है। अब ऐसी बात नहीं है कि माइटी थोर कमजोर है, पर उसके पास सिर्फ थोर की पावर्स थी। और किसी के पास गॉडली पावर्स हो लेकिन अगर उसके पास बैटल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो पक्का हार जाएगा, और ऐसा ही कुछ माइटी थोर के साथ होने वाला है। वंडर वुमन क्लोज फाइट में बहुत अच्छी है और वो फास्ट है। माइटी थोर की स्ट्रेंथ लेवल बेटर है, पर बैटल स्किल्स और लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो वंडर वुमन के सामने हार जाएगी। पर वंडर वुमन के विनर बनने के साथ ही आज के सारे क्वेश्चंस भी यही खत्म होते हैं। अब अगर आपको आज की सुपर बैटल पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब